डाउनलोड कीजिए प्ले मोबो ऐप को, यहाँ पर आपको गेमिंग अपडेट्स मिलती रहती हैं, यहाँ पर आप फ्री गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप गेम डिस्कवर करके फ्री गिफ्ट कार्ड भी अर्न कर सकते हैं। सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन नाउ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गेमिंग वर्ल्ड पर। और दोस्तों, आप सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे फोर्टनाइट गेम का एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। तो वैसे अभी तो ये गेम जो है सिर्फ iOS के लिए आने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक दो महीने ताकि एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो जाए, क्योंकि ये जो इसके डेवलपर्स हैं एपिक गेम्स, वो इस गेम को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक साथ ही पर बिल्कुल सही तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं। इसलिए ये गेम अभी आप नहीं खेल सकते अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे। पर मैं आपके लिए ऐसी गेम लेके आया हूँ जो आप बिल्कुल फोर्टनाइट की तरह आपको लगेगी और आप इसे बहुत ही मन से खेलोगे। तो ये जो गेम है ये है फोर्टक्राफ्ट, और ये फोर्टनाइट का क्लोन है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं, ये जो आप रूल्स ऑफ सर्वाइवल खेलते हो नेट इज गेम्स, उसी डेवलपर ने इसी गेम को बनाया, तो आप सोच सकते हो गेम कितनी अमेजिंग होने वाली है। तो पर अभी एक बात है कि ये जो गेम है प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये गेम अभी हर फ़ोन के लिए लॉन्च नहीं हुई है। ये फ़ोन अभी ये जो गेम है सिर्फ बड़े बड़े फ़ोन्स या फिर कुछ सपोर्टेड फ़ोन्स के लिए लॉन्च हुई है। तो इन्होंने अभी लिस्ट भी नहीं दी कि कौन से फ़ोन सपोर्ट करती है गेम। तो जिनके पास हाई एंड डिवाइस है, जैसे कि कोई भी शाओमी A1 या 5A या ऐसा कोई डिवाइस, तो उनके अंदर ये गेम शायद चल सकती है। मेरे डिवाइस के अंदर चल रही है, तो मैं तो इस गेम को खेल रहा हूँ। लेकिन आपके पास कोई छोटा डिवाइस है, जैसे कोई भी एक बजट डिवाइस, तो शायद उसके अंदर गेम ना चले, क्योंकि अभी इन्होंने इस गेम को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है उसके लिए, उस डिवाइस के लिए। तो अभी लेकिन फिर भी मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा और आपको बता दूंगा इंस्टॉल कैसे करनी है, क्योंकि ये गेम सिर्फ 500 MB की है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो डाउनलोड करके, अगर चल गई तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, नहीं चली तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये थोड़े ही टाइम में इसको ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। क्योंकि इनका जो मिशन है, ये इस गेम को फोर्टनाइट गेम से सबसे पहले लाना है ताकि इनकी गेम फेमस हो जाए। ऐसा ही उस प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड के केस में हुआ। फ़ोन के लिए रूल तो सर्वाइवल पहले से ही फेमस है, इसलिए ज़्यादा लोग अभी ये जो प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड है उससे नहीं खेल रहे अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे, क्योंकि जो रूल्स ऑफ सर्वाइवल है उसके मैकेनिक्स ज़्यादा बेहतर हैं। यही ये इस केस में करना चाहते हैं, ये इस गेम को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं और सबसे पहले लॉन्च करना चाहते हैं ताकि इनको जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा मिल जाए और ये जो गेम है सब लोगों का फेवरेट बन जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है इस गेम को। आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंक होगा, आपको वहाँ पर जाना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई यहाँ पे कट URL या कुछ यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही कन्फ्यूज़ करने वाली है। इसके अंदर आपको बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे फाइल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर लीजिए, और आप मैं ES फाइल एक्सप्लोरर खोल रहा हूँ, और उस लोकेशन पे जाइए जहाँ आपने फ़ाइल को डाउनलोड किया है। और आप देख सकते हो फाइल रही मेरी, उसके ऊपर आप होल्ड कीजिए, उस फाइल के ऊपर आप अपना होल्ड कीजिए फिंगर को, और रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, आप इस फाइल को रीनेम कर दीजिए .xapk से .zip पे। और उसके बाद आप ZR का एवर ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आप उस लोकेशन पर जाइए जहाँ पर आपने गेम को डाउनलोड किया है, और उसके बाद उस फाइल को आप ओपन कर लीजिए। उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करना उस जिप फाइल को, आप उसे ओपन कर लीजिए व्यू में, एंड्रॉयड में जाइए, OBB ये जो फोल्डर दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक फोल्डर होगा, उसे कॉपी कर लीजिए, फिर अपने डिवाइस मेमोरी के अंदर एंड्रॉयड OBB और उसके अंदर आप पेस्ट कर दीजिए। और एक बार पेस्ट होने के बाद वापस उस लोकेशन पर जाइए जहाँ पर ZIP फाइल को डाउनलोड किया है, दोबारा आप उसे व्यू कर लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ APK मिलेगा, ये आप देख सकते हो .apk, इसे कॉपी कर लीजिए और कहीं भी जहाँ आप इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो उसके बाद जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर दोगे, और इसके बाद आप अपने APK को ओपन कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये शायद इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले ले, डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या है और स्पीड क्या है। और उसके बाद ये जो गेम है इंस्टॉल हो जाएगी, आप अपने ऐप डोर के अंदर जाके इस गेम को ओपन कर सकते हो।
उसके बाद आप इस गेम को ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये थोड़ी बहुत फाइल वेरिफिकेशन करेगा और आपको पूरा ट्यूटोरियल दे देगा। उसके बाद जब आप गेम ज्वाइन करोगे तो आपके सामने जो गेम है चल जाएगी सेम कंट्रोल्स ऐसे ही, और गेम के ग्राफिक्स तो बहुत ही बेहतरीन है, बिना कोई लैग के गेम आपके चलेगी अगर आपका फ़ोन सपोर्टेड है। इसके अंदर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे रखने एक्साइटिंग वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे गेमिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही गेमिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। अगर आप इस गेम से रिलेटेड कोई और बात जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए, मैं उससे एक दो दिन के अंदर उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हर्ष गोगिया, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 100 सब्सक्राइबर पहुँचाने पर मदद कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे रखने एक्साइटिंग वीडियो में।